मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नहीं यार पीएसएल, ये जो प्यारा प्यारा पीएसएल है, ये जो हम सबका पीएसएल है। फुल थरथली मची हुई है कि कल ईद ना हो जाए। लेके निकलूंगा वहां से, मेरा काम हो गया ना। हमजा को ठंड लग रही थी, एसी चल रहा था 2 पॉइंट पे, मामू ने जरा दी है 8-9 पॉइंट पे। मुझे लग रहा है मैं फ्रीजर में बैठ रहा हूँ, मेरी वैसी हंसी निकल रही है जी। हमजा को लग रही है मैं करूँ, मुझे लग रही मैं तो नॉर्मल हूँ। सिर्फ सन्नाटे में हम लोग जाए जा रहे हैं और सिर्फ खामोशी में हम जाए जा रहे हैं कि हमें ना अफ्तारी बुला रही है। रात के 2 बज रहे हैं, चांद रात के मुकाबला सख्त हो गया। पता ही नहीं कि कोई पता नहीं कि अभी चांद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि हो गया। रोजा खुल चुका है जनाब, अभी हम अब स्टिल 10 से 15 मिनट 19 मिनट पीछे। क्या करें, ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने इतना इसको याद किया ना कल ग्रैंडो जलेबी को, तो उमर भाई थैंक यू वेरी मच। उमर भाई इससे तो मैं सवाल बाद में करूँगा, लेकिन इसका शुक्रिया इसने याद किया। कहाँ गए हुए आज कल आप? कहीं भी नहीं सर, इधर ही आपके प्रोग्राम देख रहे हैं। पहले आपसे टाइम नहीं मिल रहा, इतना खूबसूरत आप चीज़ें दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं अपने जो जगह, जिस जगह से भी होके आए आप माशाल्लाह खूबसूरत। लेकिन आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आपकी कोई कोई नहीं आ रही बात? सर आप आए हैं ना, वो जरा डांटेंगे आप, ठीक होगा फिर। हाँ जी, समझाएंगे तो समझेंगे। अब ये देखें हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पे शुरू हो गया। ये ठंडी हो गई है, और बात ये है कि मैं बिल्कुल थक गया था। मैंने पहले नाश्ता किया, इफ्तारी की है, उसके बाद फिर मैंने इसके साथ की है, और फिर मैंने इसके साथ की है माशाल्लाह। तो मैंने कहा चले आज मैं 3-4 की है तुम्हारे साथ, अफ्तारियाँ की है ना, एक रोड पे की, फिर आपके साथ की, अब मैं ये प्रॉपर कर रहा हूँ, मज़ा आ गया। लिटरली 3 की है। और चांद की शरारतें जरूर मौसम, किसी रुकन को चांद नजर नहीं आया। इतना सीरियस लिया जा रहा है इस बात को कि चांद देख रहे हैं बैठे हुए सोफे पे, दो चांद। अभी तक इतना बड़ा मोहम्मा बना हुआ है कि चांद नजर नहीं आया या आया, और तरावी शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए। 20 मिनट रह गए। हलाल कमेटी ने कह रहे हैं कि शरई तौर पे शहादतें नहीं पूरी हुई, ऐलान और खबरें जरूर आई हैं, शहादतें नहीं हुई। हाय हाय हाय, मौलाना साहब क्या जबरदस्त बात की है जी, कि शहादतें और खबरों में फर्क है। फर्क है, मानव को चांद नजर आ गया भाईजान, और पाकिस्तान में जो है वो कल ईद की नमाज होगी। जब आप वीडियो देखेंगे तो ईद हो चुकी होगी। तो पाकिस्तान वालों को सबको ईद मुबारक, और लंदन में भी ऑब्वियसली बहुत जगहों पे, इंग्लैंड में ईद हो चुकी है और बहुत सारी जगहों पे ईद है, सऊदीया में ईद है, और सबको ईद मुबारक। अभी मैंने फिर जाना है शॉपिंग पे, थोड़ी सी रह गई है, और जो साइज़ देकर आए थे और जो यू नो यहाँ के जो है ना मसाइल वो डिफरेंट है। अच्छा, हमारा मकसद बाज़ार जाना ये नहीं है कि टाइम ज़ाया करना है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो थोड़ा बहुत ना कोई प्रॉब्लम आ रही है फिटिंग में, और या दुबले हो गए या मोटे हो गए, कोई चक्कर ऐसा हुआ है। लेकिन बहर अभी जाना है और उसको देकर आ गया था मैं रफ्तार से पहले चीज़ें, तो हमजा भी तो उसको अब फाइनलाइज करके बस लेके आ जाए और डन कर दें इस बात को। देखें जी, वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोड इन लाहौर बल्कि पाकिस्तान, MM आलम रोड। कैसा जगमग जगमग कर, बिल्कुल फिट। ये है चांद रात लाहौर की, आगे ऊपर बाजार में, और ये हो रहा है। हालात चेक करो यार, हो अजीब। आप वो सोच रहे होंगे कि जी शॉपिंग इतना लेट क्यों कर रहा हूँ, असल में हुआ ये है कि ये सब बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मामू आ जाएं तो फिर मिल के शॉपिंग करेंगे। तो यही हुआ है कि ऑब्वियसली मैं उम्रे पे था सारी चीज़ों की, ईद की भी और शादी की भी, और शादी भी होने वाली है तो जाहिर सी बात है फिर शॉपिंग तो करेंगे। लेकिन शादी किसकी हो रही है भाई? मेरी हो रही है भाई, मेरे छोटे भाई की, एक आधा छोटा भाई है मेरा, उसकी हो रही है। हाँ, तो शादी की भी तैयारियां साथ साथ चल रही है, इस वजह से जो है वो ज़रा मामला गंभीर हुआ हुआ है, इसमें घूमना पड़ रहा है। ओए होए होए, ये बनता है भाई।
यार मैं शॉप आ गया हूँ शूज़ की और मैं ये पसंद कर रहा हूँ, बनता है? जब पसंद आएगा तो ये भी पसंद आएगा। सर मेरे साथ ना एक मसला है, मैं मसला बताता हूँ। क्या नहीं समझे आप? ये मसला है जो मैं शॉपिंग पे नहीं आता तब से मैं डन हो गया, एंड हो गया मेरा। मैं बिल्कुल एक अजनबी के फीलिंग में हूँ क्योंकि इतने अरसे बाद मैं चांद रात कर रहा हूँ तो मुझे इतना घूमना भी नहीं आ रहा, बहुत थक गया हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुबह नमाज पढ़नी है मैंने, अब सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फिर मलाई चीज़ रोल मंगवा रहे हैं या कसूरी रोल मंगवा रहे हैं? नहीं मलाई चीज़ नहीं, कोई ऐसा मलाई नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये सब बारबेक्यू होते हैं ना यार, सिंपल चिकन रोल लिया। चिकन रोल, राइट जनाब। हमने किया है इस वक्त शॉपिंग को थोड़ा सा ब्रेक दिया है ताकि कुछ खा लें पी लें क्योंकि काफ़ी टाइम से निकले हुए और रात के बहुत टाइम हो गया, दिन नहीं ख़त्म हो रहा दोस्त। बहुत रश है भाई, बहुत रश है, इतनी दुनिया, इतनी आवाम है माशाल्लाह, और सब एक ही काम कर रहे हैं शॉपिंग मेरी तरह। लेकिन अभी हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे। हम आ गए वाई ब्लॉक डिफेंस और वहाँ पर हमने कुछ पराठा रोल वगैरह लिया। एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक, एच ब्लॉक, एच ब्लॉक। चटनी और ये इसको कहते हैं सिल्वर स्पून रोल जी कराची। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक, मैं भी ठीक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह हमने 7 बजे नमाज पढ़ ली ईद की, और मेरी तरफ से ये खास दुआ आप सबके लिए कि आपके रोजे और तरावी, सहर और अफ्तार सब कबूल हो, सब इबादत और अजकार कबूल हो, और मेरे भी मेरी हाजिरी हुई हरमैन शरीफैन की, अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए और हम सबको बार बार हाजिर नसीब हो। आज का बेहतरीन खूबसूरत मैसेज ये है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और आसानियाँ पैदा करों में रहें, और बस किसी से कोई हसद नहीं, बुगज नहीं, कोई कीना नहीं, क्लियर रहें और क्लियर रहने की कोशिश करें, ठीक है? खूब खाएं आज, अच्छा खाएं और एकदम रिश्तेदारों में उठे बैठे और अच्छे मैसेजेस दें। अस्सलाम वालेकुम भैयान, पहली ईदी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नोट है, पूरी गड्डी है, देखो होए होए होए, पाकिस्तान के वजीर हसन भाई क्या बात, अपना दिखाओ अपना। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी ने, मुझे भाई ईदी मिल गई, क्या बात है। तेरा जनाब ईद के मजे आ रहे हैं, यहाँ पर फुल छाया हुआ मॉल, मेरी हालत सो सो के और घूम घूम के खा खा के ऐसी हुई है मेरी और हसन की। ये देखिए अभी भी लगा हुआ, ये तो मज़े हैं ईद के बाद के मज़े जो होते हैं ना, कि आप बैठे हुए होते हैं और कुछ ना कुछ नया आ जाता है, बहनें लगी हुई हैं अंदर, खाई पकाना पकाई जा रही हैं और हम खाई जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, मैं दिखाता हूँ जी, आप करेंगे? नहीं नहीं सर, नहीं इसमें भाई, मैं इस वक्त किचन में हूँ, अली पीछे काम कर रहा है और सब लगे हुए, मैंने इशा पढ़ ली है, खाने का वेट है, फुल इंजॉय। ईद मुबारक, ईद मुबारक कहता रहूँगा आज मैं। ये देखें जनाब, ये देखें, ये देखें, घर हर घर के हर किचन का हाल यही है, ये बना हुआ मज़ेदार माहौल, ओए ओए ओए, ईद की तैयारियां फुल मज़े। ये देखें, ये भी होगा हर जगह क्योंकि इसके साथ ये जो होगा ज़बरदस्त यार, ये इनकी इनकी एफर्ट है, पूरे रमज़ान लगी रही हैं बहनें और अम्माएँ और बेगम, बेगमात नहीं कहना, और अभी भी लगे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, कबूल फरमाए और इनके हाथ में और इनके काम में और इनके घर में बरकत देता है, इसका मज़ा कुछ और है। देखो प्रिपरेशन तो होती रहेगी, सारी गेम होती रहेगी, चलता रहेगा, लेकिन जो इसको रेडी हो रहा है ना, ये काम है भाई। ये क्या है? ये ना चिकन चाइनीज है, इसको लोगी फ्राइज बनाना है। ओह मेरी बेटी को बहुत पसंद है लोडेड फ्राइज। अच्छा माशाल्लाह, ये हनी विंग्स, मेहमान आए मज़ा आ जाता है यार, मेहमान रोज आने चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए 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 ओए, ये तो देख लिया था ना, इसका फाइनल वर्जन दिखाओ मैं आपको। ओए 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 ओए, ये देखिए तिल डल गया ना अंदर, ओए 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 ओए, माशाल्लाह। ईद की देखें रौनक, देखें आप और खुशियां देखें, ग्रीन चिली को कितनी चढ़ी हुई है, क्या रंग आया हुआ, वाह जी वाह, मज़ा आ गया माशाल्लाह, अल्लाह बरकत आपको। चटनी बन रही है अंदर, बहुत हीट है, इसको जूम इन, जी जनाब जूम इन भी हो जाता
आया मजा, क्या बात है, मजा आ गया। अब पता लग रहा है ना ईद है। आ जाए जी बाहर चलते हैं। अब अली भाई, अली ईद मुबारक। अली ईद मुबारक कह रहा भाई सबको, सब ने ईद मुबारक कहना अली को। अली बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन और बनेंगे तो मजी बनाएंगे। खुश रहे, सलामत रहे। थैंक यू। आप उम्र की भी माशाल्लाह ईद की टेबल सज चुकी है। ये तो होगी ना, नॉर्मल बात है। ये कुछ भी मैंने नहीं पीना इसमें। और ये आ गया लोडेड फ्राइज राइस। ये आ गया माशाल्लाह मटन सालन, क्या खूबसूरत शक्ल आई हुई है, सुभान अल्लाह। ये जनाब हनी विंग्स जिसका इंतजार था। ये आ गया लॉरी चरगा, और फुल लॉरी भी लग रहा है, ताकतवर, बेहतरीन, जबरदस्त, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब बुलाते हैं मेहमानों को और स्टार्ट करते हैं। आजे आजे जी, माशाल्लाह खाना खुल गए। इतना इतने शौक से खा रहा है ये लड़का। यार भूख लगी। भूख तुम्हें तो मुझे लगता है कोई 25 साल से लगी हुई भूख। बस बैठा हुआ है, खा रहा है, खेल रहा है, फुल एंजॉय। ईद के मजे तो इसके हैं, अभी तक बच्चा है मेरा। दो टू फेसेस के, इसका नाम है टू फेसेस के, किंग्समैन। फिर आप लोग की ईद कैसी जा रही है भाई, खा पी के या घूम फिर के, सो सो के और सब कुछ करके? मेरी तो तीनों काम करके हो रही है, जबरदस्त। और एक और इंकशाफ किया बाजी ने मेरे, कहती हैं कि आपने पता कब ईद की थी? 12-13 साल हो गए मुझे ईद किए हुए पाकिस्तान में। 12-13 साल बाद, तकरीबन चले 12 ही कहने, 12 साल बाद मेरी ईद हो रही है पाकिस्तान में। और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मैंने कल भी ये बात कही थी कि मुझे ना, पहले भी कही थी कि मुझे ना शॉपिंग करनी आ रही है ना ईद बनानी आ रही है, क्योंकि भाई 12 साल हो गए। हेलो हेलो, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी बात, वो लंबी कहानी, वो बारिश का पानी, वो कागज की गलती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का कीड़ा। सुना है उसको भी है शेर व शायरी का से शरफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, आज तारे हरम सुभान अल्लाह, हो निगाहे करम ताज तारे हरम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। मैं कशो आओ मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने ले आओ, मदीने चले इसी मही ने चल। शौक की है इंतहा मदीने, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे करम निगाहे। आपके दर पे फरियाद लाए हैं ताजदारे करम,
मैं आ गया बाहर इस वजह से कि बड़ा मजेदार मौसम हो रहा, ठंडी हवा, खामोशी, पीसफुल एकदम, सब बैठे हैं, अभी सब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। एक्चुअली 15-12-13 साल बाद मैं ईद कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या है कि ना वो फ़र्क है भाई यहाँ पर, ईद पर बहुत फ़र्क हो गया, ईद चेंज हो गई है यहाँ की ईद में, वो ईद शायद बहुत, जो मैं ईद देख रहा था सोच रहा था वो ईद शायद अब नहीं है यहाँ पर, यहाँ ईद जो है ना अब डिफरेंट हो गई है। वैसे तो पूरी दुनिया में डिफरेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में लगता था कि ईद वैसी होगी, शायद अब हम तो बड़े हो ही गए, बच्चों से ईदें और बच्चे छोटे छोटे बच्चों से, तो वो नहीं है, तो शायद इसलिए वो एक पार्ट बहुत मिस है, और रियली वो पार्ट ऐसा पार्ट है कि मज़ेदार पार्ट है। खैर आज का दिन बड़ा अच्छा रहा मज़ेदार रिश्तेदारों में, अब कल क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कल ऑब्वियसली हम कहीं जाएँगे और मज़ीद मिलने के लिए मैं आया हूँ, रोज़ ही कुछ ना कुछ मुलाकातें, तो इंशाल्लाह अपडेट रहेगी। चले अभी अंदर चलते हैं, मैं ना थक भी गया हूँ, सुबह से उठा हूँ।